ये आ गए हैं हम उन सऊदी भाई के घर पे। ये है भाई इनका घर। जज़ाकअल्लाह ब्रदर, यू अरेंज ऑल दिस, मे अल्लाह पाक ब्लेस यू इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह। सऊदी पाकिस्तानी because brother brother mashallah yes, mashallah my brother kaif al hal habibi alhamdulillah alhamdulillah so Mushair. He is taking me to ajwa farm inshallah welcome ye dekhe alhamdulillah hum log ajwa ke farm pahunch gaye hain aur ye dekhe ye pure baag hain ajwa ke assalam alaikum kaise hain bhai khairiyat se this brother gulam yes I'm saudi I'm pakistani because brother mashallah mashallah my brother माशाल्लाह yes. माशाल्लाह। ये जो है वो इनका फार्म है और ये भी आए हैं, ये इनके वालिद साहब हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि आप जो है वो माशाल्लाह आराम से आएँ, बनाएं वीडियो और आप हमारे मेहमान हैं माशाल्लाह। ये डिफरेंट जो है वो खजूरें जो यहाँ पे प्रोडक्शन होती हैं और माशाल्लाह दिखने में इनकी क्वालिटी का अंदाज़ा हो रहा है कि वे बहुत साफ़ सुथरी बेस्ट क्वालिटी की जो है वो खजूरें हैं। ब्रदर दिस वन सगई Sagai. This is named Sagai. Sagai. Yes. This is Majdul. Majdul. This is Kalma. Kalma. Okay. Safawi. Kalmi kehte hain. Okay. Yes. Kalma. This is named Ambar. Ambar. One of the famous yes. and expensive. Yes. Yes. Special. Special. Yes. Yes special. Special. Sukkari. Sukkari. Yes. Yes. Sukkari. Very sweet. Al Qasim. Yes. Yeah. Very sweet. Production in Al Qasim. Yes. Collection is Al Qasim. This is Ajwa. This is ajwa, yes. mashallah. ये देखिए भाई. This is organic. Organic. Yes. More. تلاجة. Okay. في أنواع كثير في التلاجة. بس this is famous. Famous khajur. Okay. ये भाई यही बता रहे हैं कि ये सारी जो है वो फेमस खजूरें हैं और यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं और इसके बाद अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो फिर वो सारा माल अंदर पड़ा हुआ है। ये देखें, ये खजूरें जो है ना इस साइज़ वाली मशीन के अंदर डाल दी हैं और अब ये नीचे जो है वो अलग अलग साइज़ के लिए अलग अलग कार्टन रख रहे हैं और ये अलग अलग साइज़ को जो है ना सॉर्ट करके कार्टन में डाल देगी मशीन में। अब जो है ना ये छोटी साइज़ की इधर आ रही हैं, ठीक है, और अब ये बड़ी साइज़ की खजूरें इसलिए आगे जा रही हैं। सबसे बड़ी जो है ना साइज़ की खजूर वो यहाँ आ गई। ये देखें, ये खजूर को साफ़ किस तरह किया जाता है अभी ये करके बता रहे हैं। सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब ये खजूरें जो है वो सारी साफ़ होंगी। ये देख भाई, ये कोल्ड स्टोर है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो सारी खजूरें यहाँ पे रखी हुई होती हैं। फिनिश प्रोडक्ट की बात और होती है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल फिनिश प्रोडक्ट जो है ना हमेशा ज़बरदस्त, जब सारे प्रोसेस से गुजर जाती है तो बहुत बेहतरीन चीज़ बन जाती है। अब ये रेडी है बिल्कुल मार्केट में जाने के लिए और सेल होने के लिए। ये देखें माशाल्लाह, और इसके बारे में मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी था कि ये बहुत स्वीट खजूर होती है, जो सुकरी है ना लोग बहुत पसंद करते हैं। हाँ, बहुत पसंद करते हैं। ये देखें, ये इस तरीके से जो है वो पैकेट्स बनते हैं इसके। ये है भाई अजवा, ये जो है ना इसका साइज़ आप देखें, ये साइज़ देखें आप, अजवा का साइज़ जो है ना बड़ा डिफरेंट होता है। अजवा में भी साइज़ के हिसाब से आप लोग सॉर्ट करते हैं जी, अलग अलग करते हैं। ये बड़ा है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी की आपके पास अजवा, उसके बाद ये छोटा क्वालिटी। अच्छा, ऑल ऑर्गेनिक देखो इसको फर्क। हाँ, ये देखें, ये छोटी है साइज में और ये बड़ी है साइज में, ऐसा ही है ना, ये बड़ी वाली, ये बड़ी है। और अब सबसे एक्सपेंसिव खजूर है अंबर माशाल्लाह सामने, और इसका एक एक दाना आप देखें कितना बड़ा है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी आपके पास ये है। सही है। यहाँ पे कितने रुपए किलो होती है, यहाँ पे कितने रियाल? भाई यहाँ पे 30 रुपए की किलो है। अच्छा, 30 रियाल की किलो होती है यहाँ पे तकरीबन। अभी इन लोगों के ऑफिस में मैं बैठा हुआ था और इन लोगों से बातचीत हो रही थी, तो इनके वाले साहब भी ये बता रहे थे कि मैं दुनिया में मतलब हर जगह घूमता हूँ, अमेरिका या दुबई या वहाँ हर जगह पे जाता हूँ, लेकिन जो सुकून जो है ना, इन्होंने दिल पे हाथ रख के बताया, जो सुकून यहाँ पे जो है ना मदीना में है ना कहीं पर भी नहीं, और इसके अंदर तो कोई शक है ही नहीं, दिस इज़ ट्रू, मदीना इज मदीना, अल्हम्दुलिल्लाह। सुकून अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देख सकता हूँ कि माशाल्लाह दे आर वेरी काइंड। मदीने में आप कहीं पे भी चले जाएं बहुत अच्छे लोग आपको मिलेंगे, दे आर वेरी नाइस पीपल माशाल्लाह। ये इन लोगों ने माशाल्लाह गिफ्ट दिया है, सही है, और देखें कौन कौन सी खजूर दी है। विच वन ब्रदर? कलमा, कलमी खजूर है, ठीक है, और विच वन? सगई, सगई है ये, ठीक है, एंड दिस इज़ अंबर, अंबर माशाल्लाह, अंबर का जो है वो इन्होंने तोहफा दिया ही है, ठीक है,
और ये अरबी लोगों की माशाल्लाह माशाल्लाह हॉस्पिटलिटी, ये देखें। और ये है सुकरी माशाल्लाह। भाई अजवा का फार्म तो हमने आपको दिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। ये हमारे माशाल्लाह अरबी भाइयों की हॉस्पिटलिटी है कि इन्होंने कहा कि आप हमारे घर चलेंगे आज और आप हमारे घर पर हमारे मेहमान हैं इंशाल्लाह, और इफ्तार जो है वो साथ करेंगे, इसके बाद हम जो है वो आपको हरम छोड़ देंगे इंशाल्लाह। तो अब हम इनके घर पर जा रहे हैं। ये आ गए हैं हम उन सऊदी भाई के घर पर जिनका अजवा का फार्म था। ये जो भाई हैं ना सऊदी भाई है, उनके दोस्त हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे बेसिकली इनवाइट किया है। ये है भाई इनका घर माशाल्लाह। लाइट वगैरह बंद कर दी है और इन्होंने तकिया लगा दिया है यहाँ पे। इन्होंने बोला आप आराम करें और थोड़ा सा आराम करें, इसके बाद फिर हम जो है वो इंशाल्लाह इफ्तार की तैयारी करेंगे। तो अब आपका भाई यहाँ पे थोड़ा नींद करेगा। एक हमने नैप भी ले ली और अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार की तैयारी है माशाल्लाह। देखें इन्होंने दस्तरखान सजाया, अल्लाह पाक इनको बरकतें दे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भाई शरबत आ गया। और ये अच्छा, इसके अंदर जो है वो डिफरेंट समोसे तो नज़र आ रहे हैं और डिफरेंट रोल टाइप का भी जो है वो कुछ है। और दिस इज़ ब्रदर कुनाफा, दिस इज़ कुनाफा। ओके, ये भाई कुनाफा है और ये सुकरी खजूर है और ये दो अलग अलग मशरूबात हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये इनकी हॉस्पिटैलिटी है, मेहमान नवाजी है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये क्या है, ये इनसे पूछना पड़ेगा क्योंकि ये एक सूप टाइप का जो है ना ये लोग पीते हैं, दाल टाइप का होता है हमारा, आप कह सकते हैं दाल टाइप का होता है ये सूप। ये इनका जो है ना स्टार्टर के तौर पर जो है वो होता है अरब लोगों का, तो मेरे ख्याल से ये वही है, बट फिर भी हम कन्फर्म करते हैं। ब्रदर व्हाट इज़ दिस? शोरबा। ओके, हम लोग जिस तरह जो है वो यखनी पीते हैं इसी तरह जो है वो इनका ये शोरबा टाइप होता है सूप। जज़ाकल्लाह ब्रदर, यू अरेंज ऑल दिस, मे अल्लाह पाक ब्लेस यू इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अजान हो गई है, रोज़ा खोलते हैं। ऑरेंज इसके अंदर डिफरेंट चिप्स और टॉपिंग की हुई है और साथ में अंदर दही भी है। ठीक है, अब इसको ट्रेस करेंगे कैसा है सीन। एंड व्हाट इज दिस ब्रदर? कहवा। ओके ओके ओके, सऊदी अरेबिया की जो है ना ये ट्रेडिशनल है, सही है, इसको कावा बोलते हैं, सही है, गावा। मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि एक ऐसे दस्तरखान के ऊपर खाना खा रहे हैं जहाँ पे सऊदी भाई भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त अच्छा एक्सपीरियंस है। इनके खाने में मिर्चें कम होती हैं और अच्छा होता है खाना। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ जो लग रही है वो है कुनाफा। ठीक है, तो हम कुनाफा ट्राई करेंगे। एक बहुत अरसे बाद ट्रेडिशनल कुनाफा जो है ना खाने को मिला है। दिस यू मेक एट होम? यस। अब देखें ये इनके घर का बना हुआ है कुनाफा। नॉर्मली हम लोग बाहर रेस्टोरेंट्स पे खाते हैं, सही है, लेकिन घर का जो बना हुआ कुनाफा होता है ना, क्योंकि इनके यहाँ तो ऐसी चीज़ है कि ये बड़े स्पेशलाइज्ड हैं इसके अंदर, तो आज हम ज़रा ये ट्राई करते हैं कुनाफा। ये देखें भाई, ये आ गया कुनाफा। उसके नीचे जो ना ये सारा मलाई टाइप का होता है और ये बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है। जो रेस्टोरेंट्स में होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बंदा ज़्यादा खा नहीं सकता। ये घर का बना हुआ है, बहुत बेहतरीन है। ये ऊपर इसकी टॉपिंग होती है कुनाफा की, नीचे मलाई होती है, बेहतरीन माशाल्लाह। और ये एक रोल टाइप का सीन है, देखते हैं ज़रा ये क्या है। रोल के अंदर जो है ना पोटैटो है, पोटैटो की फिलिंग है ना, पोटैटो है इसके अंदर, पी है, मटर है। ये जो है ना सूप ट्राई करते हैं इनका। बिल्कुल जिस तरह दाल होती है ना हमारे यहाँ पे, बिल्कुल इसी तरह का है सूप। ये मैंने इससे पहले याद पड़ता है, एक मरतबा बहुत पहले पिया था जब मैं खुद सऊदी में रहता था,
तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट के अंदर जो है ना स्टार्टर के अंदर ये दिया था, तो वहाँ पे पिया था। इनके घर के सामने ही मस्जिद है बिल्कुल, यहाँ पे जा रहा हूँ नमाज के लिए। और क्या बात है मदीने के मोहल्लों की, आप देखें तो सही। हमेशा से आपके भाई की यही फीलिंग्स हैं कि जब भी मैं मदीना आता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दौर में हूँ ही नहीं, मैं पुराने वक्तों के अंदर चला गया हूँ। बिल्कुल ऐसी वाइब्स आ रही होती हैं यहाँ पे। इस मस्जिद में भी देखें इफ्तार का सिलसिला जो है वो हुआ है अभी। तो भाई हमारे सऊदी भाइयों के घर पे जो है वो हमने इफ्तार किया। होपफुली आप लोगों ने भी वीडियो को बहुत पसंद किया होगा। ना सिर्फ हमने अजवा की प्रोडक्शन आपको दिखाई बल्कि इनके घर पे एक खूबसूरत मंजर इफ्तार का भी दिखाया है। जज़ाकअल्लाह ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। जज़ाकअल्लाह। व्हेन एवर आई विल कम मदीना इंशाल्लाह, नेक्स्ट आई विल टाइम इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार के बाद मैं यहाँ पे आ गया था होटल पे अपने, और बस वजू वगैरह दोहरा के अब मैं जा रहा हूँ। इशा की अजानें हो रही हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी, और तरावी पढ़ने इंशाल्लाह जा रहा हूँ। और आपको दिखाता हूँ कि क्या मंजर है जब अजान की आवाज़ें आ रही होती हैं और लोग हरम की तरफ जो है वो माशाल्लाह बढ़ रहे होते हैं। तो मैं आपको अगला मंजर दिखाता हूँ कि लोग जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ की अजान सुनने के लिए बहुत तड़पते हैं, तो वो इस वीडियो के ज़रिए जो है वो यहाँ की अजान भी सुन रहे होंगे और यहाँ का माहौल भी देख रहे होंगे कि कितनी ज़बरदस्त रौनक है माशाल्लाह। इस पंखे के नीचे जो लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं ना, तो गर्मी का एहसास बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इसमें पानी भी निकल रहा होता है, शावर भी निकल रहा होता है। ये देखें आप, इस शावर से बड़ा ठंडक का एहसास होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी इख्तिताम को है। इफ्तार कर लिया था, इफ्तार के बाद फिर मैं हरम आ गया था, और यहाँ पे फिर जो है वो इशा की नमाज़ भी पढ़ ली, तरावी भी पढ़ ली, और अब सोचा मैंने कि क्यों ना इस व्लॉग को भी हरम में ही एंड किया जाए, ताकि आप लोग भी जो है वो यहाँ का मंज़र देख लें इंशाल्लाह। तो अब इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर मिलते हैं। होपफुली आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मुस्तफ़ा हनीफ 26 के नाम से मुझे फॉलो करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।